समाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्म बनाने लिए जाने जाते बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी नवी फिल्म मिशन राणीगंज महान भारत बचाओ की रिलीज़ तो बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन किया जिथे उन्होंने जसवंत सिंह गिल की भूमिका निभाई है जो असल जीवन के अगौलिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान अक्षय कुमार ने खुलासा किया है कि वह असल जिंदगी दी घटनावां आधारित फिल्म बनाना पसंद करते हैं। अक्षय कुमार ने कहा है कि मैं निजी तौर पर अजिहे असल जीवन की घटना किस्म के सिनेमाघर का आनंद लैंदा हाँ जो समाज पर प्रभाव पा सकते हैं। अक्षय कुमार ने अगे कहा है कि मैं अजिहे सिनेमा पसंद हैं, मैं जानता हाँ कि इसका व्यापारक मुल पठान जवान या राउड़ी राठौर वर्गा नहीं है, पर इस तरह के सिनेमा समाज पर प्रभाव पाते हैं। मैनू इसका सब तो वध आनंद आता है। आओ सुनते हाँ अभिनेता अक्षय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान की कुछ किया है। जिस चीज़ के लिए हम तरसते हैं वो एक होता है समथिंग, जैसे आप बोल रहे हो, एक अच्छा रिस्पॉन्स, लोगों ने तारीफ कर। जानते हैं कि ये एक कमर्शियल फिल्म जैसी फिल्म नहीं है। इट इज़ अबाउट रियल बेस्ड सिनेमा एंड इट्स अ सिनेमा वेयर आई वुड लाइक टू ब्रिंग थिंग्स इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी एंड ब्रिंग इट एंड टेल देम अबाउट इट। जब ये कहानी मुझे मेरे डायरेक्टर टीनू ने सुनाई थी, मुझे तब से ही अच्छी लगी थी और मैं चाहता था कि किसी ने भी कोल माइनिंग के ऊपर उनके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या उनकी ज़िंदगी में चलता है, कभी किसी ने फिल्म ज़्यादा बनाई नहीं थी। एक फिल्म आई थी काला पत्थर और कमाल की बात है, एक ये सच्ची कहानी है एक अच्छाई और सच्चाई के बारे में। मेरी इन्होंने जसवंत सिंह गिल साहब से बात भी करवाई थी, उनसे बात की मैंने, उन्होंने सिर्फ एक ही कहा था कि वैसे तो काफ़ी बातें की, फिर उन्होंने कहा था कि ये फिल्म तू सरदार बन के ही करना, पग ज़रूर पहनना। सर आँखों पे वो बात वैसे ही किया एंड मैं नहीं जानता, बहुत कम इंसानों को जानता हूँ जिनके अंदर ये बहादुरी होगी कि जानते हुए कि इट्स अ श्योर शॉट डेथ, द पर्सन decides to go 350 feet down, जहाँ पानी का इतना बौछार है और जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिएट हो रही है। मुझे नहीं पता कि मैं किसी को जानता हूँ जो कहेगा कि नहीं मैं उनको बचाने जाता हूँ और खुद चले गए नीचे। मैं हाल ही में एक अभी अंदर कुछ प्रेस वालों से बात कर रहा था, मैंने किसी को भी ऐसे ही पूछ लिया कि क्या आप अपने आप को कबर्ड में 15 मिनट बंद कर सकते हैं, तो जवाब नहीं आता है। इन लोगों की लाइफ ये 12-12 घंटे अंदर और फिर एक कैप्सूल के अंदर ऊपर से नीचे आना, एक लिफ्ट के अंदर करीबन 50 से लेके 60 लोग ऊपर से नीचे आते हैं, 45 के अंदर सब ख़त्म। सो व्हेन आई हर्ड दिस सब्जेक्ट आई वॉन्टेड टू नो, इन्होंने मुझे काफ़ी नॉलेज दी उसके बारे में कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, हमें नहीं पता। मैं जानता हूँ एयरलिफ्ट जब बनाई थी तो मीडिया को बहुत कम पता था कि 1,70,000 लोगों को बचा के लेके आए थे। तो ये ऐसी कहानियाँ लाने मुझे अच्छा लगता है, मज़ा आता है। पैडमैन के बारे में मैंने सैनिटरी पैड पर फिल्म बनाई थी, शौचालय पर फिल्म बनाई थी, मुझे अच्छा लगता है ये फिल्में लाना। जानता हूँ इसकी कमर्शियल वैल्यूज़ जो होती हैं वो इतनी बड़ी नहीं होती, एक सिंगिस किंग जितनी जैसी नहीं होती, एक राउडी राठौड़ या एक पठान या जवान जैसी फिल्म नहीं होती, लेकिन इसकी जो वैल्यू है, इट इज़ अबाउट नॉलेज, इट इज़ अबाउट रियलाइजेशन। जब ओ माई गॉड की थी सेक्स एजुकेशन के ऊपर, इट इज़ अबाउट पीपल नोइंग अबाउट इट। एवरीथिंग इज़ नॉट अबाउट वॉट मनी कैन गिव मी, things are also what I can give to society. So that is what I made this film and I worked in this film. I am very grateful to this man who brought this kind of a subject in front and aaj main wahi keh raha tha ki aaj hame 4 star mil rahe hain, 4.5 star mil rahe hain, to main yehi kehna chahunga ki 4 star wo Teenu ko mil raha hai
और आधे स्टार हम स्टारकास्ट वालों को मिल रहा है। होर नवीं खबरां देखने दे लई सब्सक्राइब करो PBX News द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।